हमने अभी तक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात की। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब ये था कि अगर कोई बॉडी कैसे मूव करेगी, सर्कल में मूव करेगी, तो उसकी स्पीड चेंज नहीं होगी, स्पीड हमेशा वी 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 ही रहेगी। तो अगर स्पीड हमेशा ही वी रहेगी टेंजेंशियल, यहाँ भी वी, यहाँ भी वी, यहाँ भी वी, यहाँ भी वी, तो स्पीड हमेशा क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो ऐसे केस में बॉडी सर्कल में जब मूव करेगी तो वेलोसिटी की वैल्यू तो चेंज हुई नहीं, बट डायरेक्शन चेंज हुई, और डायरेक्शन चेंज होने की वजह से एक्सेलरेशन क्रिएट हो गई, जिसका नाम क्या है, सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन। तो सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन होने का जो रीज़न है वो वेलोसिटी वेक्टर का डायरेक्शन चेंज होना है, उसकी वैल्यू का चेंज होना नहीं है। पॉइंट नंबर वन क्लियर। तो जब भी वेलोसिटी की वैल्यू नहीं चेंज होगी, सिर्फ डायरेक्शन चेंज होगी, तो कौन सी एक्सेलरेशन जनरेट होगी, सेंट्रिपिटल। पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू, इमेजिन करो कि वेलोसिटी की वैल्यू भी चेंज हो गई। इमेजिन करो कि 1 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड, 3 मीटर पर सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड, जबकि हमने ऐसा किया नहीं। तो अगर वेलोसिटी की वैल्यू भी चेंज हो गई, स्पीड की वैल्यू चेंज हो गई, तो ये केस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का नहीं है, ये केस नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का है। पॉइंट क्लियर है यहां तक? तो आप ये सोचो कि यहां पर वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड से 2 मीटर पर सेकेंड चेंज हो गई टेंजेंशियल, क्योंकि वेलोसिटी टेंजेंशियल है, तो यहां से यहां आने में वेलोसिटी 1, 2, 3 चेंज हो गई। तो यहां पर इसी डायरेक्शन में, क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो डीवी बाई टीटी क्या देगा, एक्सेलरेशन। अगर स्पीड चेंज नहीं हो रही तो डीवी बाई डीटी क्या हो जाएगा, जीरो। तो यहां पर जो एक्सेलरेशन आएगी उसका नाम क्या होगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तब अराइज होती है जब वेलोसिटी की वैल्यू क्या होती है, चेंज। तो इसका मतलब अगर वेलोसिटी की सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रही है, सेंट्रिपिटल, वेलोसिटी की वैल्यू एंड डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो सेंट्रिपिटल तो होगी होगी, क्योंकि डायरेक्शन चेंज होने की वजह से सेंट्रिपिटल तो होगी होगी, वैल्यू चेंज होने की वजह से टेंजेंशियल भी क्रिएट हो जाएगी। तो समझ में आ रहा है? तो जिन क्वेश्चंस में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नाम की चीज होगी, उसका मतलब है कि वेलोसिटी की वैल्यू चेंज होगी। पॉइंट नंबर वन क्लियर है यहां तक? पर हमने जितने क्वेश्चंस किए वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के किए, हमने स्पीड को तो चेंज नहीं किया, तो हमने कभी भी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को कंसिडर नहीं किया। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन रूल ये बनेगा, किसी भी सर्कुलर मोशन में सेंट्रिपिटल तो होगी ही होगी, जो मर्जी हो जाए, क्योंकि बॉडी सर्कल में घूम रही है, डायरेक्शन चेंज कर रही है। टेंजेंशियल तब होगी जब बॉडी की वेलोसिटी की वैल्यू भी चेंज होगी। एंड रूल नंबर टू, ये दो वेक्टर्स हमेशा 90 डिग्री पे होंगे, क्योंकि टेंजेंट एंड सेंट्रिपिटल कहाँ करेगा, टूवर्ड्स सेंटर। इसको रेडियल एक्सेलरेशन भी बोलते हैं, रेडियल का मतलब अलोंग रेडियस। तो सेंट्रिपिटल एंड टेंजेंशियल के बीच में एंगल हमेशा क्या होगा, 90। तो नेट एक्सेलरेशन पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से क्या निकलेगी, अंडर रूट ऑफ AT² + AC² क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? समझ में आ रहा है यहां तक? तो AC आ गया, AT आ गया, अंडर रूट ऑफ AT² + AC² तो ये कॉन्सेप्ट तब लगेगा जब बॉडी की वेलोसिटी की वैल्यू भी चेंज होगी। तो ऐसे केस में एक्सेलरेशन ना तो AC होगी ना AT होगी, इनका वेक्टर सम होगा। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? तो ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का केस है। तो आप इसमें आप चेक कर सकते हैं, मैंने यही बताया कि अगर मान लो वैल्यू मैग्नीट्यूड ऑफ वी चेंज होता है, तो फिर AC भी होता है, AT भी होता है, और नेट एक्सेलरेशन इसके इक्वल होती है। ठीक है यहाँ तक? तो क्वेश्चन आएंगे तब यूज़ करके दिखाएंगे। वैसे क्वेश्चन कम आते हैं इसके ऊपर, पर फिर भी ऐसा नहीं कि नहीं आते, 2-4-5 क्वेश्चन रहेंगे इस पर भी। ठीक है?